A very good morning to my dear students. So, bete, we are doing sources of credit. So, let us continue it from the source which we left yesterday, which is trade credit, a short-term source of finance. Okay, it's a credit granted by one trader to another for the supply of or sale of goods and services. So, हमने ये इसके merits discuss कर लिए थे. Now is the time to discuss the limitations of trade credit as a source of finance. So number one limitation bete, that availability of easy and flexible trade credit facilities may induce the firm to indulge in over trading. This may add to the risks of the firm. Over trading का मतलब क्या है? आपकी एक से LEDs का showroom है, ठीक है? तो आपको पता है हर महीने एटलीस्ट आपके 50-60 एलईडी बिक जाते हैं. अब फेस्टिवल सीजन आया है तो यू आर एक्सपेक्टिंग के आने वाले जो 2-3 मंथ्स हैं, जो 2-3 मंथ्स हैं आने वाले उसमें, ओके लेट मी सी सम फेक एंट्री अगेन आई गेस इज देयर. तो जो आने वाले मंथ्स हैं बेटे उसमें ओवर ज्यादा से 100 एलईडीज जो है वो बिक सकती हैं, ठीक है? तो आपको, आपने अपने सप्लायर को कॉल किया कि आपको 100 एलईडीज भेज दी जाए और 3 मंथ्स का आपको क्रेडिट चाहिए उसके लिए. तो आपके जो सप्लायर है उसने आपको बोला कि ऐसा है कि आप 200 एलईडीज ले लो, आप पेमेंट बाद में कर देना, देयर इज नो सच इशू. तो यू मे बी इंड्यूस्ड बाय दिस, आपको लगेगा अच्छा पेमेंट कौन सा अभी करनी है, हो सकता है मेरी, मैं माल रखूंगा और मेरा बिक भी जाएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं मैं ज्यादा मंगवा लेता हूँ. बट यू आर एक्सपेक्टिंग दी सेल ऑफ 100 एलईडीज, बट यू आर नाउ आस्किंग फॉर द इन्वेंट्री ऑफ 200 एलईडीज. रीजन बीइंग कि आपको ये कन्वीनियंट सोर्स है, आपको इजिली अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए आप उसको कोई भी आपका कोई इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं जानी, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, तो यू मे इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग. तो इस ओवर ट्रेडिंग का बेटे आपको क्या नुकसान होगा कि आपको हो सकता है कल को जितनी एलईडीज आपने मंगवा के रखी हैं वो सारी की सारी ना बिके. अब आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट दिया है, आपको ये अरेंजमेंट नहीं किया कि जो बच गई वो आप मेरे को वापस कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका एक तरह से नुकसान हो जाएगा. इट में एड टू द रिस्क ऑफ द फर्म. आपको चाहे 3 महीने बाद पेमेंट करनी है लेकिन आपको पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है. सो इन केस दीज आर नॉट सोल्ड, इट में एड टू द रिस्क ऑफ द फर्म. नेक्स्ट इज बेटे, ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, याद रखना आपने कल को जब बिजनेस करना है, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है ट्रेड क्रेडिट यू कैन यूज ओनली यू नो टू जस्ट वेट. हाँ जी, तो कल को आप बिजनेस में जाते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हो, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो यू कैन रेज रॉ मटेरियल थ्रू ट्रेड क्रेडिट. आपको मशीनरी की जरूरत है तो उसके लिए आप ट्रेड क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपको वर्कर्स को वेजेस देनी है, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यू कैनॉट मेक यूज ऑफ सच थिंग्स, ठीक है, उस केस में आप ये यूज नहीं कर सकते हैं ट्रेड क्रेडिट. सो ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड ट्रेड क्रेडिट, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज बेटे, इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी. सो इवन दो नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इन्वॉल्व, वी डू नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, बट अगेन इट बिकम्स अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस. नाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस, जब हमें इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना, जब हम बैंक से लोन लेते हैं हमें 6 या 7 या 8% इंटरेस्ट देना पड़ता है,
लेकिन जब हम सप्लायर से रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट लेते हैं तो हमें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। फिर भी हम इसकी लिमिटेशन में ये बोल रहे हैं कि ये एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स इट इज अ कॉस्टली सोर्स। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो? यू शुड नो दिस क्योंकि ये रिवीजन चल रही है और मैं ये आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं। यस अमीश, हर्षिका, कैन यू टेल मी हाउ इट इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस? हर्षिका, नलिन, यस हाउ ट्रेड क्रेडिट प्रूव्स टू बी अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हेन नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज टू बी गिवन ओवर देयर? मैम, ट्रेड क्रेडिट कैन बी कॉस्टली बिकॉज़ वी मे इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग एंड दस वी मे सफर लॉसेस व्हेन आवर गुड्स आर नॉट सोल्ड। नहीं वो तो वो कॉस्टली से नहीं ना, वो एक अनदर लिमिटेशन हो गई बेटे कि ओवर ट्रेडिंग में हम इंडल्ज कर सकते हैं। कॉस्टली कैसे है, हमें महंगा कैसे पड़ता है ये सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये मेरे को बताइए आप। एनीवन एल्स? मैंने आपको बताया हुआ है रिवीजन के टाइम, ओके, फेल टू मेक पेमेंट विद इन द फुल इंटरेस्ट में बी चार्ज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नहीं बेटे, बोथ आंसर्स आर इनकरेक्ट। ओके लेट मी एक्सप्लेन। तो जब आप ट्रेड क्रेडिट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, दे मेघ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेघा, वेरी मच राइट, बिकॉज शी सेइंग बिकॉज इफ वाइल बाइंग द गुड्स द ट्रेडर्स मेक इमीडिएट पेमेंट दे इवन गेट सर्टन डिस्काउंट। जब आप इमीडिएट पेमेंट कर देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलते हैं। ये बेटे रूल है बिजनेस का। जब आप काउंटर पेमेंट करते हो, काउंटर पेमेंट मींस इमीडिएट पेमेंट करते हो, चाहे आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, कोई लैंड खरीद रहे हो या गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, जब आप काउंटर पेमेंट कर देते हो ना तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। आपको गुड्स एमआरपी पे नहीं मिलते, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। लेकिन जब आप ट्रेड क्रेडिट से गुड्स अवेल करते हो तो उस केस में ट्रेडर आपको डिस्काउंट देना को राजी नहीं होता। वो कहता है एक तो पेमेंट मैं 3 महीने बाद आपसे ले रहा हूं, उसके ऊपर मैं डिस्काउंट आपको दे दूं तो मेरे को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको नेगोशिएट नहीं, आपकी बार्गेनिंग पावर वीक रह जाती है जब आप ट्रेड क्रेडिट पे गुड्स लेते हो। ठीक है, सो इन दिस वे इट प्रूव्स टू बी अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। वेरी गुड मेघा। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हिच इज पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट बेटे जो रिटेन्ड अर्निंग हमने सबसे पहला किया वो लॉन्ग टर्म सोर्स था, फिर उसके बाद हमने ट्रेड क्रेडिट किया वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नाउ कमिंग टू पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि 3 to 5 years के लिए किया जाता है। ठीक है, सो द डिपॉजिट्स व्हिच आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, जब हम डायरेक्टली पब्लिक से कोई भी कंपनी फंड्स रेज करती है उसको कहा जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, अब इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूजुअली बैंक डिपॉजिट से ज्यादा होते हैं। यानी अगर एक कंपनी लोन लेती है बैंक से, उसको उसके ऊपर 6% देना पड़ता है, लेकिन अगर वो पब्लिक डिपॉजिट से लोन लेती है तो उसको 7 to 8% पब्लिक को देना पड़ेगा। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? व्हाई द कंपनी हैज टू पे मोर? क्योंकि बेटे कोई भी, ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक जब इन्वेस्ट, जैसे मैं हूं, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो फंड्स रेज करना चाहती है थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो मेरे पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे करती हूँ मैं कंपनी में लगा देती हूँ, इनको डिपॉजिट दे देती हूँ, 3 साल की तो बात है, 3 साल बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब उतना ही इंटरेस्ट मुझे अगर कमर्शियल बैंक में मिल रहा है, सिर्फ 6% इंटरेस्ट मुझे कंपनी दे रही है,
और 6% इंटरेस्ट मेरे को कमर्शियल बैंक दे रहा है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप मुझे बताओ आप कहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट कराओगे, बैंक में कराओगे कि कंपनी में कराओगे? दोनों जगह आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। वेयर वुड यू इन्वेस्ट योर मनी हर्षिका? वेयर वुड यू इन्वेस्ट योर मनी इफ सो इज सच इज द केस? बैंक में। रीजन बीइंग कि बैंक में आपको बैंक के ऊपर ज्यादा फेथ है, बैंक में आपका पैसा ज्यादा सिक्योर है। वेयर एज कंपनी में जो आप ये पैसे लगा रहे हो, डिपॉजिट दे रहे हो, ये अनसिक्योर्ड है। आपका कोई भी कंपनी ने कोई भी अपना एसेट आपके साथ मॉर्टगेज नहीं किया है, ठीक है? तो कल को अगर कंपनी डूब गई या आपके पैसे लेके भाग गई तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क है। तो इसीलिए अगर कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज करना चाहती है तो उसको बैंक के कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट देके आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको 8% कंपनी से मिल रहे हैं, 6% बैंक से मिल रहे हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जो भी पर्सन, जब भी कंपनी इन्वाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट्स, तो वो कुछ फॉर्म्स बनवा देती है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को आप फिलअप करिए, ठीक है? और अपना एक चेक, जितना आपने मनी यू नो डिपॉजिट करानी है उतने अमाउंट का चेक आप उसके साथ भेज दीजिए कंपनी को। जब कंपनी के पास वो चेक आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो वो कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिपॉजिट रिसीट आपको दे देगी, विच एक्ट्स एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, ठीक है? तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एसेट मॉर्टगेज नहीं करना पड़ेगा, और डिपॉजिटर के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि डिपॉजिटर को एज कंपेयर टू बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है? सो नॉर्मली कंपनी अप टू 3 years के लिए इसको इन्वाइट करती है। And very important fact that the acceptance of public deposits is regulated by Reserve Bank of India. ठीक है, अगर किसी भी कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करने हैं तो सबसे पहले उसकी एक्सेप्टेंस उसको RBI से लेनी पड़ेगी। सो इन दिस वे यू कैन इंश्योर कि हाँ जी RBI ने अपना यू नो दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है, तो आप थोड़ा सा वो हो सकते हैं कि सिक्योर्ड फील कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, इस कंपनी ने अप्रूवल लेकर ही पब्लिक डिपॉजिट्स रेज किए हैं, तो RBI ने इस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में देख के ही सब कुछ एक्सेप्टेंस दी होगी, ठीक है? नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। नंबर वन मेरिट, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स इज सिंपल। इट डज नॉट कंटेन एनी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस which are generally there in the loan agreement. तो कंपनी के व्यू पॉइंट से पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज करना का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। शेयर्स अब इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, शेयर्स के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज करने में नहीं आती हैं। और अगर हम बात करें कि चलो बैंक से भी तो कंपनी ले सकती है, तो बैंक से जब वो फंड्स लेती है तो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस रहती हैं उसमें। देयर आर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लाइक आपने किस पर्पस के लिए लोन लेना है, आपने उसको कौन से यू नो फील्ड में, कौन से प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करना है। अगर आप उसमें से कुछ हटके करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। वो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है आपको उसी पर्पस के लिए उसको यू नो यूज करना पड़ेगा। सेकेंड मैरिट, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप पब्लिक डिपॉजिट पे लोगों को 7% इंटरेस्ट दे रहे हो, ऑन द अदर हैंड अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको 8 या 9% पे लोन मिलेगा। तो इसका मतलब आपको पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना चीपर पड़ता है। देन दीज डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता एसेट के ऊपर। तो इस एसेट को यूज किया जा सकता है एज अ सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स फ्रॉम अदर सोर्सेज।
आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की जरूरत है, आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, तो आपका कोई भी एसेट मॉर्टगेज नहीं हुआ हुआ जब आपने पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज किए थे. सो नाउ यू कैन यूज दैट एसेट टू रेज लोन फॉर लॉन्ग टर्म. अनदर, द डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, सो द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड. ठीक है, जब आप कंपनी में पैसे डिपॉजिट कराते हो, पब्लिक डिपॉजिट से कंपनी फंड्स रेज करती है, तो वो जो पब्लिक जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन जाते, उनके पास कंपनी के कोई वोटिंग राइट्स नहीं आते. कंपनी का कंट्रोल पहले जिन हाथों में था उन्हीं हाथों में रहता है, उनका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है. किस केस में कंट्रोल डाइल्यूट होगा? कैन यू टेल मी? किस केस में कंट्रोल डाइल्यूट होगा? कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐसा है जो कि कंट्रोल डाइल्यूट करता है? एनीवन? यस बच्चे, कैन यू टेल मी? ओके, दिस इशू ऑफ शेयर्स. यस, जब हम इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते. बच्चे, एक स्टूडेंट ने प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है, गुरकिरत ने. नो बेटे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते. मेघा, हर्षिका एंड ईशा, करेक्ट. इक्विटी शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो वो जो शेयर होल्डर्स बनते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स आते हैं. तो इन दिस वे द कंट्रोल ऑफ द कंपनी गेट्स डाइल्यूटेड. ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशंस. Now, new companies generally find it difficult to raise funds through public deposits. जो हमारी नई companies हैं बेटे, उनको public deposit से funds raise करना मुश्किल रहता है. मुश्किल ऐसे रहता है कि लोग अपना faith नहीं दिखाते नई companies में. अब मैंने कल भी बताया आपको, Zomato है, ठीक है, इसने अपना IPO निकाला, ओवर सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया. नायका है, उसने अपना निकाला तो उसका भी लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया, ओवर सब्सक्राइब किया. लेकिन अगर ये कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड्स रेज करती तो हो सकता है, इवन दो दे हैव तो नाउ मेड देयर मार्क इन दी, यू नो, अपना उन्होंने एक नाम बना लिया है, दे हैव मेड देयर नेम. लेकिन अगर कोई बहुत ही बिल्कुल नई कंपनी है, या अगर 4-5 साल पहले Zomato या नायका पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज करती तो पब्लिक इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करती. ठीक है, तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है ये अनसिक्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट से, अगर कंपनी भाग जाती है तो आपके पैसे डूब जाएंगे, तो इसलिए नई कंपनी में आपको फेथ करना मुश्किल रहता है. सो अगर कोई नई कंपनी है उसके लिए इस सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो इससे फंड्स रेज ना कर पाए. देन इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फंड्स एज द पब्लिक मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी. तो कोई श्योर शॉट नहीं है कि आप पब्लिक डिपॉजिट्स इनवाइट करोगे तो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे. ठीक है, तो ये अनरिलायबल हो गया. आपको पैसों की जरूरत है, आपने सोचा कि चलो पब्लिक डिपॉजिट से रेस कर लेते हैं, आप निश्चिंत होके बैठे हो, आपने 10 दिन का लोगों को टाइम दिया हुआ है, आपने कहा बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाएगा, कोई मेरे को फिक्र की बात ही नहीं है, मैं क्यों बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए भागूं. लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया, लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. ठीक है, तो अब आपका एक तरह से नुकसान है. यू विल हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, देन collection of public deposits may prove difficult, particularly when the size of deposits required is large. तो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए पब्लिक डिपॉजिट से, लेकिन आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि मिनिमम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो. आप मिनिमम अमाउंट कितनी रख सकते हो? 500, 5,000, 10,000,
ठीक है। तो हर एक पर्सन अगर 10-10 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई 5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई 500 भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में आपको जो डिपॉजिट है उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग एंटिटी से आपको पब्लिक डिपॉजिट लेना पड़ सकता है। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स, इट्स मैरिट्स एंड लिमिटेशंस। Another source of finance is an owner's source of finance, which is share. So the company may issue shares and get capital funds by issuing shares. Now, what is a share? But a share is the smallest unit of capital of the company. Company अपनी capital को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देती है, और the smallest part of the capital is known as shares. तो शेयर्स को इश्यू करके जो हमारे पास कैपिटल आती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है। हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है। जैसे कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, हर शेयर का प्राइस रखा 10 रुपीज ईच। ठीक है। तो 10 लाख रुपए उन्होंने रेज कर लिए बाय इशूइंग शेयर्स। जिस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स रहेंगे वो कंपनी का शेयर होल्डर माना जाएगा। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके जो हमारे पास कैपिटल आती है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करके हमारे पास जो कैपिटल आती है उसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है। सो फर्स्टली कमिंग टू द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं बेटे, दे रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है। जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स रिप्रेजेंट होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए जो इस इशू शेयर इक्विटी शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल रेज की जाती है उसको हम ओनरशिप कैपिटल का नाम देते हैं, या हम उसको ओनर्स फंड्स कहते हैं। किसी भी कंपनी को अगर आपने फॉर्म करना है तो उसके लिए इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना बहुत ही जरूरी है, प्री रिक्विजिट है। बिना इक्विटी शेयर्स के इश्यू किए कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। ठीक है। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, उसके बदले उनको क्या मिलता है? व्हाट डू दे गेट? द रिटर्न विच द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट इन रिटर्न फॉर द कैपिटल इज नोन एज, यस क्रिश, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जब वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, तो उसके बदले उनको जो रिटर्न मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ओके, यस, अगेन द सेम स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, डू दे गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड? क्या उनको हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट की तरह? नो, दे डू नॉट गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। The amount of dividend depends upon the profits of the company. अगर कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कम है तो कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रेजिडुअल ओनर्स, बचे खुचे ओनर। ठीक है। बचे खुचे इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो इनकम है, इनको जो डिविडेंड पे किया जाता है वो सब कुछ सेटल करने के बाद, कंपनी सब सब क्रेडिटर्स को के क्लेम्स को सेटल करने के बाद, पहले इंटरेस्ट पे कर देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है, उसके बाद अगर कुछ बचा खुचा होता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है। दे रिसीव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स ऑन कंपनीज इनकम
एंड एसेट्स हैव बीन सेटल्ड. ठीक, सो दे एंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज दे बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप. रिस्क भी बियर कर रहे हैं और उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है. ओनर है बेटे, ओनर ने दोनों चीजें करनी है. रिस्क बियर करेगा तभी उसके पास प्रॉफिट आएगा. ठीक है, अब व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स? इज इट अनलिमिटेड? क्या उनके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं अगर कंपनी लॉस में चली गई तो? नो, देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड. Limited to the extent of capital contributed by them in the company. Moreover, bete, these shareholders have the right to participate in the management of the company. They enjoy voting rights, so they participate in the management of the company. Yaramneek Singh is entering now in the class. Okay, so that's all for today. Kisi ko koi doubt?